Hey guys, welcome back to the channel. तो आज क्या तारीख हो गई है? नहीं छोड़ो, तो अभी उठाऊँ. आज उठ के मुझे बहुत काम है, जैसे कि आज मुझे जाना है आपके लाइसेंस के काम के लिए अथॉरिटी, फिर हिजल के साथ जाना है इधर को डॉक्टर दिखाने के लिए. ऐसे ही काम और होंगे क्योंकि डेली रूटीन में कुछ नहीं पता था क्या काम है क्या नहीं. तो चलते हैं, हिजल का पट्टा टंगा पड़ा पीछे बोले, तो चलते हैं काम से, फिर आगे चलते हैं. आगे देखेंगे कि आज जैसा कोई काम मिलेगा वैसे होता रहेगा काम. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, फ्रेश फ्रेश होके काम से निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया हूँ, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं. तो चलते हैं आपसे सीधा, यहाँ से निकलता हूँ फ्रेश होके, मुँह हाथ धो के अथॉरिटी. A few moments later. So guys, मैं निकल चुका हूँ द्वारका अथॉरिटी के लिए. मेरा एक लाइसेंस का काम पेंडिंग था वो टाइम से, तो उसके लिए मैं अब निकल रहा हूँ. तो चलते हैं अथॉरिटी जाके वहाँ पे काम करवाएंगे, और आज का फिर देखेंगे क्या हमारा डेली रूटीन रहता है क्या नहीं रहता. आज तो समझ लो कुछ है नहीं वैसे हमारे पास करने के लिए, वेले ही हैं, पर तब भी कैंडिडेट निकाले हैं कुछ ना कुछ कर कर आके. तो चलते हैं सीधा अथॉरिटी और जाके मिलते हैं अथॉरिटी में तुमसे. गाइस पहुंच चुका मैं द्वारका अथॉरिटी. ठीक है, सो गाइस ये अथॉरिटी इतनी बेकार अथॉरिटी है ना, मैं आधा घंटा करीब लगाकर यहाँ पर आया हूँ और इन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी. इन लोगों से मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं मिसप्लेस, तो अब इसमें हमारी गलती है कि भैया हम लोगों ने इनसे स्लिप क्यों नहीं ली. जिस समय मैंने जमा कराए थे उस समय तो ये लोग मुझे बोल रहे थे कि सर ऐसी जमा करा दो, हम आगे वो कराते हैं प्रोसीड करते हैं हमारा, तो उसके बाद आपके पास आगे लाइसेंस आ जाएगा. ठीक है, तो इतनी देर हो गई, अब मेरे को अप्रॉक्स 3 महीने से ऊपर हो गया, एक महीने से ऊपर हो गया. क्योंकि एक्चुअली होता है एक लाइसेंस जो होता है लाइसेंस बैच होता है, तो लाइसेंस बैच में इन लोगों की ना एक वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन कराती है, उसके बाद जाके हमारा काम प्रोसीड होता आगे. तो पुलिस मेरे डॉक्यूमेंट्स इनसे मिसप्लेस हो गया, लेकिन पुलिस वाले मेरे घर आ चुकी है, मेरा वो काम पुलिस वाले में हो चुका है, लेकिन भैया ने बोल दिया हमारे डॉक्यूमेंट आपके हो गया मिसप्लेस, तो आप आइएगा फ्राइडे को. फिर आप मानोगे मेरे को गाड़ी से निकल के वापसी गाड़ी आने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, इतनी देर में इन्होंने मेरा काम भी कर दिया. बस बोल दिया जी आप जाओ आपका काम फ्राइडे होगा बस. अब इन लोगों को इतना गुस्सा चढ़ता ना मेरे को, सिर्फ यहाँ आओ तो दलाल ही दलाल खड़े हैं, दलालों के बिना काम ही नहीं. तो मैं दिखा दूँ एक दलाल का तो कर रहा सामने मेरे, रुको. एक तो तुम्हें दिख रहा होगा पेड़ के पीछे खड़ा है, कैसे दिखाऊं तुम्हें, ये देखो दो बंदे खड़े हैं, ये जो गंजा वाला है दलाल है शायद, बिकॉज क्योंकि जो ये दलाल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चल रहा है लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट. ठीक है, लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट चल रहा है. लर्निंग लाइसेंस में देखो वो किस तरीके है उस बंदे को वीडियो, इनका क्या वीडियो अपना लर्निंग लाइसेंस जो हो गया वीडियो पे होता है, ऑनलाइन ही होता है लर्निंग लाइसेंस कटता है पीस वगैरह कट के वगैरह काम वैसे ही होता है. तो भैया क्या कर रहे हैं उससे करवा रहे हैं उसका दलाल. यहाँ पे आओ तो दलालों के बिना काम है ही नहीं, इतनी गंदी अथॉरिटी लगती है मुझको, ये दलालों के बिना काम ही नहीं है ये यहाँ पे. अब भाई यार अब हमें नॉलेज है, जिसको नॉलेज ना वो दलाल, हमें तो नॉलेज है पर हम भी दलाल से बच जाए तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. तो देखते हैं अब क्या करें, फ्राइडे का योगा अब सारा मूड खराब हो गया, इतनी देर बंदा जल्दी उठे सुबह उठ के इनके काम से निकले वापस आए, और 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ आधा घंटा लगा के आया, एटलीस्ट 5 मिनट में कोई लाइन में खड़ा रखता तब भी ठीक लगता कि चल यार हाँ गया हूँ. मैंने ऐसे बस पूछा कि भैया ये काम ठीक है जी, नहीं होगा फ्राइडे आना, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, वो जो बंदा है वो उसके घर शादी, उसकी बेटी की शादी, उसने क्या बोला उसने फ्राइडे आना, फ्राइडे से काम नहीं होगा. उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ कुछ नहीं सुन रहा, बोला फ्राइडे बोल रहा फ्राइडे आना, बोल दिया फ्राइडे आना बस.
अब क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अब वापसी घर और तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे दलाल कितने खड़े हैं। ठीक है, पूरी रोड पे दलाल दलाल खड़े हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार यहीं से। पहले गाड़ी घुमा लूँ, गाड़ी घुमाने क्या तुम्हें पहले यहीं से दिखाता हूँ एक बार। ये देखो दलाल का झुंड, ये झुंड देख रहे हो, ये सारा दलाल होगा। मैं यहाँ से निकल के गया हूँ, लाइसेंस लाइसेंस कर रहे थे, ये सारे दलाल खड़े हैं। ये सामने गंजा दलाल खड़ा है, ये बेचारा कस्टमर लर्निंग लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन मतलब दलाल पकड़ा हुआ है जो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, और तुम्हें दलाल तो यहाँ सेटिंग में ना कोई काम नहीं भैया, अंदर भी लोग सेटिंग होती है तभी लोग काम जल्दी होता है, शायद दलाल इसलिए कहते हैं इनको। तो अभी देखेंगे, इस बार अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट टाइम हमें भी पकड़ना पड़ेगा दलाल को किसी को। तो अभी चलते हैं। मुझे एक्चुअली अचानक से अभी भी याद आया कि मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन भी नहीं हो रखा, तो पहले पेट्रोल पंप पे जाते हैं पॉल्यूशन कराते हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते सीधा पॉल्यूशन पे। तो गाइस आ गया हूँ मैं यहाँ पर, प्राइवेट है एक पॉल्यूशन वाला, उसी पे आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ साइड से, अगर तुम्हें दिख रहा हो पीछे से भी दिख जाए शायद। ठीक है, तो यहाँ आया हूँ, प्राइवेट है तो यहाँ पे करवाते हैं मैं पॉल्यूशन, फिर तुमसे मिलते हैं 2 मिनट में। पेट्रोल पे करूँ सीएनजी पे स्टार्ट करूँ? सीएनजी पे, पेट्रोल पे ही है फिर अभी। हाँ जी, तो अपना हो गया पॉल्यूशन का काम, पॉल्यूशन आ गया अपने हाथ में। ठीक है जी, बच गया हमारे पैसे 10,000 रुपए का चलाना आजकल पॉल्यूशन के ऊपर। तो हो गया पॉल्यूशन, अब देखते हैं घर जाके क्या भी नाश्ता वगैरह के, तो देखते हैं। बाकी मोटे का तरुण का फोन आया तो उसका भी जाना, थोड़ा काम वाम शॉपिंग वॉपिंग के लिए, थोड़ा उसका भी शॉपिंग करवानी उसने भी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 2 hours later तो गाइस अभी इसको लेके जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास, तो मतलब अभी घर की सीढ़ियों में बैठा हूँ। और ये रही हेज़ल, तो अभी जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। तो यहाँ से मैं डॉक्टर से पहुँच रहा हूँ, वहाँ से तरुण आ रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो चलते हैं हम सीधे डॉक्टर के पास और इसका आज ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसका कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर बोला अभी रिपोर्ट जो थी वो 75 आवर्स के बाद आनी है, और मैं उसने 24 आवर्स में लगा लेकिन 75 आवर्स के बाद आनी है। तो चलते हैं सीधे डॉक्टर के पास और इसका आज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रीटमेंट में क्या करना है इन लोगों ने क्या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, देखिए प्लीज़ इसको वीडियो आगे तक, और यार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए प्लीज़, व्यूज़ मेरे कमा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सीधे डॉक्टर के पास। तो आ गए गाइस हम डॉक्टर के पास, ये है डॉक्टर का क्लिनिक, जो ये डॉक्टर है बहुत ही एनजीओ में है, इतना इनका काम है मतलब, ये सारे स्ट्रीट डॉग्स में उन्होंने अपने स्पेशली एक फार्म हाउस लेके उधर सब प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सही डॉक्टर है। तो मैं तो वेस्ट दिल्ली में तो यहाँ रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ यहाँ आइए। तो अब हेज़ल की बारी चलने की, चले चल हेज़ल, चलो 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 चलो।